इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रात के कर्फ्यू का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। कहने को सभी बड़े कायद कह रहे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री खुद ऐलान के जरिए कहते हैं कि लॉकडाउन से बचने की कोशिश करें, पर देखा जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हुकूमत को इस बात का भी डर है कि कहीं पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन किया जाएगा तो देश में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, गृह युद्ध जैसे यानी कि खाना जंगी जैसे हालात न बने। वैसे तो कुछ लोगों का तो हुकूमत के आंकड़ों पर ही भरोसा नहीं है। मुल्क में मजदूर गरीबों की तादाद काफी बड़ी है, क्या हर कोई लॉकडाउन के फैसले से पहले कभी उन गरीबों के बारे में भी कुछ सोचेगा? कहते सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब जब दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया तो मजदूर फिर से अपने घरों की तरफ लौटने लगे। आखिर इनकी जिंदगी क्या यूं ही यहां से वहां होने में ही गुजरेगी? अब मोदी की तरह केजरीवाल भी वादे करने में माहिर होते दिखाई दे रहे हैं। अब मरकजी हुकूमत या मोदी लॉकडाउन का ऐलान करते हैं तो देश में जो हालात बनेंगे उसके लिए जिम्मेदार भी खुद मोदी या मरकजी हुकूमत ही होगी। लिहाजा इस मुसीबत को रियासती हुकूमत के गलों में ही बांध दिया जाए। लिहाजा जो भी लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं इसके लिए दोनों हुकूमतों की रजामंदी से ही फैसला लिया जा रहा है। खैर इसका खामियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। महज 6 दिन का लॉकडाउन दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में करने का फैसला लिया गया, पर इसकी कीमत जो गरीब मजदूर दिहाड़ी कामगार निचले तबके के लोगों को चुकानी पड़ रही है या पड़ती है इसका जर्रा बराबर भी एहसास क्या इन हुकूमतों को है? आखिर लॉकडाउन के जरिए क्या चाहते हैं? हुकूमतें वैसे तो कोरोना महामारी के शक के दायरे में ही देखी जा रही है। कुछ विदेशी माहिरीन ने भी इसे इख्तदार के लिए साजिश कहा। खैर इन बातों पर यकीन रखना जरूरी नहीं है, पर कुछ भारत में भी ऐसी आवाजें निकल रही हैं और आवाजें उठ रही हैं जो कोरोना महामारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी वजीर दाखला ऐसे महामारी के दौर में भी बिना मास्क के घूमते रहते हैं, जहां चुनाव वहां कोरोना नहीं। अब तो ये बात भी सभी की समझ में आ रही है। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है अचानक पॉजिटिव मामले बढ़ने लगते हैं, मौतों के आंकड़ों में इजाफा होने लगता है। कभी कभी आम इंसानों के जहन में सवाल आना लाजिम हो जाता है कि क्या कोरोना मरकजी हुकूमत के इशारे पर ही एक्टिव या डीएक्टिव होता है? क्या अब जब फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया जा रहा है गरीब आवाम का क्या होगा? इस पर कोई भी सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं। रमजान मुकम्मल होने तक लॉकडाउन लगाने का फैसला हो सकता है लिया जाएगा, पर क्या कोई इस बात की जमानत दे सकता है कि क्या लॉकडाउन के बाद यह महामारी खत्म होगी या कम होगी? ब्रेक द चेन की बात कही जा रही है, जब भारत में दूसरी लहर आने ही वाली थी और उसकी बात कही जा रही थी तब कुंभ या फिर चुनाव को क्यों रोका नहीं गया? आज बंगाल का चुनाव मुकम्मल होने दो, फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव मामले बढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या आवाम को गरीब बनाने का या दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज बनाने का मंसूबा इन सियासी पार्टियों ने बना लिया? आखिरी विकल्प के तौर पर लॉकडाउन कहा जाता है, पर बात शुरू ही लॉकडाउन से की जा रही है। अगर कोई सियासी लीडर या पार्टी चुनाव रैलियों के जरिए महामारी फैला रहे तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मतलब सब पहले से तयशुदा है या फिर मिलीभगत है? सियासी लीडरों का भी मामला अजीब है। अवाम के सवालत का जवाब देने का वक्त आता है तो ये लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। कहने का मतलब एक कोरोना भी सियासी पार्टियों का ज्यादा सुनता है क्या? ऐसा सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है। बड़ी आसानी से फिर मुकम्मल लॉकडाउन की बात न्यूज चैनलों में बताई जा रही है, पर कभी उन गरीब मजदूरों पर बहस नहीं होती। अगर बहस होती भी है तो इनके मौत पर भूख से जब लाशें गिरने लगती है तो न्यूज चैनल वालों को रहम नहीं बल्कि इन्हें खुराक मिल जाती है, जिस पर डिबेट चलाए जाते हैं। जब ये मजदूर पैदल भूखे पेट चल चल कर रेल की पटरियों पर थक कर सो जाते हैं और गहरी नींद में कट कर मर जाते हैं तो तब इंतजामिया कुछ रस्मी जुमले अदा करने लगती है। इन्हें इनसे बिल्कुल हमदर्दी नहीं। अगर हमदर्दी होती तो लॉकडाउन लगाने से पहले ही इन दिहाड़ी मजदूरों के बारे में सोचते। यहाँ तो अमीर और गरीब का सवाल है साहब। अगर गरीब है तो उसे दुनिया में जीने का हक कहाँ है? हर चीज पर अमीर कब्जा करना चाहता है। गरीब के तो किस्मत में ही कीड़े मकोड़े की जिंदगी लिखी हुई होती है। फिर से मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला पूरे मुल्क में लगाने की कोशिश जारी है। लाखों पॉजिटिव केसेस में इजाफा होने की खबरें चलाई जा रही है, मौतों के आंकड़ों और तस्वीरें भी दिखाई जा रही है। अगर हजारों लोग हर रोज मर रहे हैं तो क्या इसके लिए करोड़ों लोगों को भूखे रखोगे? अगर हालात हाथ से निकल गए हैं तो हुकूमतें, सियासी पार्टियां, मजहबी मेले जिम्मेदार हैं। इन पर कार्रवाई करो। इसकी कीमत गरीब क्यों चुकाए? घर का चूल्हा कैसे जलाए इसी फिक्र में इसकी जिंदगी
गुजरती रहती है। अब तो पूरे मुल्क में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया, मतलब देश गरीब के साथ अनपढ़ भी रहे, ताकि तुमसे सवाल करने वाला कोई रहे नहीं। बाकी एक गरीब शख्स जिंदगी के कितने महाज पर तनहा लड़ता रहेगा। क्या इस मुल्क में गरीब होना ही गोया जुर्म हो गया? अगर वाकई गरीबों के बारे में सोच रहे हो तो अमीर सियासतदानों की जायदाद को गरीबों में तकसीम करो। अडानी अंबानी का बेहिसाब रुपया, करोड़ों अब्जों रुपयों को देश की आवाम में तकसीम करो। अगर ऐसे वक्त में अडानी अंबानी, टाटा बिरला, अमित शाह के बेटे जय शाह की प्रॉपर्टी देश के काम कब अब नहीं आएगी तो कब आएगी? लिहाजा देश के गरीबों का सोचकर लॉकडाउन का फैसला लिया जाए। महज लाखों मरीजों में इजाफे की बात कहकर करोड़ों मजदूरों को भूखा मारने की कोशिश ना करें। जहां हुकूमत बनाने के लिए हजारों करोड़ खर्चा कर एमएलए एमपी खरीदे जाते हैं, तो वही पैसा कोरोना की मुसीबतों में भाजपा ही क्यों खर्चा नहीं करते? एक एक वोट को एक एक हजार रुपया देने वाली ऐसे मुश्किल वक्त में गरीब आवाम के घरों में, झोपड़पट्टी में जाकर क्यों नहीं पैसा दिया जाता? जहां जिंदगी सिसक सिसक कर हर लम्हा मरती रहती है, सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाए जाते हैं तो कहा जाता है कि देश मुश्किल दौर में है, सबको मिलकर इस चुनौती का मुकाबला करना है। आज अगर सैकड़ों लाशें जल रही हैं तो हुकूमत की गलत मंसूबाबंदी ही जिम्मेदार है। और वैसे भी जब मुल्क तरक्की की राह में गामजन होना चाहता है तो तुम्हें तरक्की से ज्यादा तो हिंदू मुस्लिम में दिलचस्पी रहती है। आज अगर बांग्लादेश, श्रीलंका भारत से बेहतर तरक्की कर रहे हैं तो भारत के अंधभक्तों के लिए शर्म की बात है। सिर्फ मोदी भक्ति में लीन होकर नमो नमो का जाप करने से देश विश्वगुरु नहीं बनता, देश भाईचारा, संविधान, एकता की बुनियाद पर आगे बढ़ता है। तरक्की की राह सुकून और इत्मीनान से हमवार होती है, नफरत, आग, फसाद तो हमेशा रुकावट ही पैदा करती है। लिहाजा कोरोना महामारी में देश एकजुट आज भी है, लिहाजा हर वक्त हर फैसला गरीबों को मद्देनजर रख कर लिया जाए, वरना देश में अराजकता के लिए भी गलत फैसले ही जिम्मेदार होंगे। इसका ख्याल हुकूमतों को करना होगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।